तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन लेग पीस रेसिपी दोस्तों। तो चलो तुम लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने बहुत सारे मटन लेग पीस ले लिया है। तो दोस्तों आज बहुत ही टेस्टी मटन लेग पीस रेसिपी मैं बनाऊंगी, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने तो यहाँ पे गर्म पानी बिठा दिया है, तो देखो उबल गया हमारा पानी। तो अब हम मटन लेग पीस को छोड़ देंगे। तो दोस्तों मटन लेग पीस को एक मिनट तक उबालना पड़ेगा गर्म पानी से। तो देखो हमने सारे के सारे मटन लेग पीस को हमने छोड़ दिया है। तो थोड़ी देर उबलने के बाद हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। तो दोस्तों मटन लेग पीस को हम गर्म पानी देकर अच्छे से उबाल लिया है, तो चलो अच्छे से हम साफ भी कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से साफ करने के बाद हम इसे अच्छे से जला लेंगे। जलाने से इसका जो बचा जो भी बाल है उठ जाएगा। मटन लेग पीस को हमने अच्छे से बचाई कर लिया है। तो देखो इसका छोटे छोटे पीस भी कर लिया है और अच्छे से हमने साफ सफाई भी कर लिया है। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी बिठा दिया है, तो मटन लेग पीस को हम प्रेशर कुकर में अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो इसका पानी थोड़ा गर्म होने पर छोड़ देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा नमक दे देते हैं। तो इसका पानी तो गर्म हो गया है दोस्तों, तो हम अब मटन लेग पीस को छोड़ देंगे। बॉइल करने के लिए 10 सीटी देना पड़ेगा। 10 से 11 सीटी नहीं दोगे तो अच्छे से बॉइल नहीं होगा। तो दोस्तों मटन लेग पीस के लिए जो जो मसाला लगता है मैं रेडी कर लेती हूँ। तो दोस्तों स्पेशल कुकर में हमने तो 10 से 12 सीटी दे दिया है और हमारा लेग पीस शायद कॉम्प्लीट हो गया है। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों देखो मटन लेग पीस कितने अच्छे तरह से पक गया है। तो चलो इसे हम नमक लेते हैं। हमने यहाँ पे कुटाई करके रखा है, तो यहाँ पे देखो प्याज लहसुन और अदरक हमने काट लिया है और मसाले के लिए हमने सूखी मिर्च और जीरा भी ले लिया है, अदरक भी ले लिया है। तो मैं पहले मसाला पीस लेती हूँ। तो दोस्तों अब हम मसाला पिसाई कर लेते हैं। Thank you.
अब मैं थोड़ी सी प्याज और लहसुन को भी बांट लेती हूँ। करना था हमारा कॉम्प्लीट हो गया है, अब हम कढ़ाई चला देंगे। तो दोस्तों सरसों का तेल तो गर्म होना कॉम्प्लीट हो गया है, अब हम छोड़ देंगे दो सूखी मिर्च और थोड़ी सी जीरा। अब इसमें हम छोड़ देंगे प्याज और लहसुन को। तो दोस्तों प्याज और लहसुन को अच्छे से भाजी करना पड़ेगा। प्याज और लहसुन को हमने अच्छी तरह से भाजी कर लिया है, तो अब हम मसाला को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन को अच्छे से पीस लिए थे, तो मैं छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैंने जीरा अदरक और सूखी मिर्च पीस लिए थे, तो वो भी छोड़ देंगे। तो दोस्तों मसाला को अच्छे से भूनना पड़ेगा। तो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक में छोड़ दें। यहाँ पे मसाला अच्छे से हमने पका लिया है और देखो कितनी अच्छी तरह से पक गया है इसका कलर देखो, और मसाले से तेल भी छोड़ दिया है। प्याज लहसुन भी अच्छे से गल गया है, तो मैं इसमें छोड़ दूंगी मटर लेग पीस को। तो मटन लेग पीस को भी मसाला के साथ मैं अच्छे से भून लेती हूँ। मटर लेग पीस को हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया है, तो अब मैं छोड़ दूंगी इसका पानी। इसका पानी मतलब है मटर लेग पीस का जो हमने उबाले थे प्रेशर कुकर में, वो वाला पानी। अच्छे से पक गया है और बहुत ही टेस्टी हुआ है और बहुत ही कलर आया है, देखो कितना सुंदर लाल लाल। अब तो इसमें हम दे देंगे गरम मसाला जो टेस्ट को और कलर को भी बहुत अच्छा लाता है। ग्रेवी टाइप हो
हो गया है, अब इसे हम नमा देंगे। तो दोस्तों इसे रोटी के साथ और चावल के साथ भी ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। बता देती हूँ, तो मैं एक लेग पीस ले लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी हुआ है दोस्तों, घर पे जरूर ट्राई करना, मजे से भी खाना, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों ऐसे मजेदार रेसिपी के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।